कोटखाई गुड़िया प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में भाजपा के बूथ स्तर पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाओ कार्यक्रम के तहत डलहौजी में भी भाजपा नेता मनोज चड्ढा की अध्यक्षता में सीएम का पुतला जलाया गया। इसमें अनेक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन भाजपा ही नहीं रुके और पुलिस को पछाड़ते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका। भाजपा नेता व नगर परिषद अध्यक्ष डलहौजी मनोज चड्ढा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एसटीएम कार्यालय के पास पहुंचे, जहां सुरक्षा के लिए पुलिस बल पहले से ही तैनात था। भाजपा नेता व नगर परिषद अध्यक्ष डलहौजी मनोज चड्ढा ने कहा कि डलहौजी में जो संवैधानिक तौर पर पुतला जलाया है, वो दर्शाता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली लोगों की समस्याओं का समाधान शून्य पर कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की देवभूमि कलंकित हो गई है। कोटखाई गुड़िया प्रकरण के बाद पूरा प्रदेश इस ज्वाला से भड़क उठा है। डलहौजी म्युनिसिपल काउंसिल और डलहौजी शहर में हमने ये जो रोष प्रदर्शन किया है और सिंबॉलिक तौर पर ये जो पुतला जलाया है, वो दर्शाता है कि ये सरकार कांग्रेस की जो है एक बहुत निकम्मी सरकार है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है तो शून्य पे है, जहाँ तक कार्यप्रणाली का सवाल है तो शून्य पर है, जहाँ तक लोगों की समस्याओं के समाधान का सवाल है तो शून्य पर है। आज हिमाचल की देवभूमि कलंकित हो गई है गुड़िया कांड से और पूरा प्रदेश इस ज्वाला में भड़क उठा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य हमारे साथ समाज में जुड़े हुए एनजीओस, वुमन संगठन, महिला संगठन और अन्य लोग इस रोज प्रदर्शन में पूरे हिमाचल में हम लोगों ने हिस्सा लिया है और हमारी मांग है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और वीरभद्र सिंह हैं उनको नैतिकता तौर पर त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि लोगों का समाधान हो सके और यहाँ पर जो है वो दोबारा से एक शांतिपूर्वक प्रदेश जिसे हम मानते हैं उसकी स्थापना पूर्ण कर। मनोज चड्ढा ने कहा कि भाजपा के साथ विभिन्न संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके और यहां पर एक बार फिर शांतिपूर्वक प्रदेश की स्थापना हो सके। की चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।